शादी में बिन बुलाए खाना खाने पहुंचा एक युवक, फिर जो हुआ वो कभी नहीं भूलेगा लड़का। एक रात का खाना खाने एमबीए का स्टूडेंट पहुंचा शादी में, वहां जो हुआ उसके बाद कई दिन तक घर में नहीं खाया होगा लड़का। नौजवान शादी में फ्री का खाना खाने के लिए होते हैं उतावले, लेकिन इस लड़के को देखने के बाद लग जाएगा उनकी इस हरकत पर ब्रेक। बीच शादी में घर वालों ने पहचाना नहीं है लड़का कोई रिश्तेदार, फिर हुआ हंगामा जोरदार। थ्री इडियट्स मूवी अगर याद हो तो आप राजू, रेंचो और फरहान के उस सीन को भी याद कीजिए, जहां वो तीनों फ्री का खाना खाने एक शादी में घुसते हैं, मजे से खा रहे होते हैं, तभी प्रिया उसे पहचानती है। खैर, यहां फिल्मी सीन में हल्के में बात रफा दफा हो जाती है और तीनों निकल जाते हैं। लेकिन भोपाल से जो खबर आई है, वहां शादी में फ्री का खाना पड़ गया बहुत महंगा। एक नौजवान स्टूडेंट शादी में पहुंचा, उसे निमंत्रण नहीं दिया गया था, ना ही वो रिश्तेदार था, लेकिन शादी में आने वाले 500-600 लोगों के बीच वो भी घुस गया। अच्छे कपड़े में आए लड़के को सबने अतिथि माना। पहले सब ठीक था, पार्टी चल रही थी, एंजॉयमेंट हो रहा था। इसी बीच किसी घर के सदस्य ने लड़के से पूछा, आप कौन हो, किसकी तरफ से आए हो, किसे जानते हो यहां? लड़का सक पका गया। पहले उसने कुछ बहाना बनाया, लेकिन बाद में फ्री की दावत उड़ाने की नीयत का पर्दा फाश हो गया। फिर यहां से शुरू हुआ फ्री की दावत उड़ाने पर बवाल। एक एक करके कई लोग इकट्ठा हुए, लड़के को पकड़कर उससे जमकर सवाल जवाब किया गया। बिना निमंत्रण आने पर पहले लोग भड़क गए, फिर लड़के से वह करवाया गया जो अक्सर होटल का बिल न देने पर करवाया जाता है। बिन बुलाए अतिथि को उस हिस्से में ले जाया गया जहां जूठे बर्तन रखे जा रहे थे, जिन बर्तनों को साफ करने के लिए स्टाफ लगा हुआ था। सभी स्टाफ को हटाकर लड़के को बर्तन साफ करने के लिए लगा दिया गया। उससे सैकड़ों थालियां मंजवाई गई। लड़का भी कुछ बोल नहीं पाया और चुपचाप झेलता हुआ सभी की बात सुनता रहा। कहा जा रहा है लड़का एमबीए का स्टूडेंट है। बर्तन धोते हुए लड़के का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कैसा लग रहा तुम्हें प्लेट धोते हुए? फ्री में खाना खाया तो कुछ तो करेंगे। एमबीए कर रहा हो तो घर वाले पैसे भी तो पहुंचाते होंगे ना तुम्हें, खाना खाने के लिए भी है? बड़ा शानदार आदमी है, पढ़ा लिखा है, एमबीए करने आए हैं भोपाल, जबलपुर से आए हैं इनका, और एक दावत में आई है सर, फ्री में खाना खाया इन्होंने घुस के चोरी छुपके से, वो पकड़ा गए हैं, प्लेटें धो रहे हैं। इस वीडियो में सुना जा सकता है लड़के से पूछा जा रहा है दावत में क्यों आए। लड़का कहता है खाना खाने आया था। पूछा, किसी ने तुम्हें कहा था क्या ऐसा करने को? तो छात्र जवाब देता है नहीं, जिसके बाद वीडियो बनाने वाला सच कहता है, ठीक है बर्तन मांजो और दोबारा ऐसी गलती मत करना। कैसा लग रहा तुम्हें प्लेट धोते हुए? फ्री में खाना खाया तो कुछ तो करेंगे। एमबीए कर रहा हो तो घर वाले पैसे भी तो पहुंचाते होंगे ना तुम्हें, खाना खाने के लिए भी है? बड़ा शानदार आदमी है, पढ़ा लिखा है, एमबीए करने आए हैं भोपाल, जबलपुर से आए इनका, और एक दावत में आई है सर, फ्री में खाना खाया इन्होंने घुस के चोरी छुपके से, वो पकड़ा गए हैं, प्लेटें धो रहे हैं। इन छात्रों को ये आइडिया कहां से आया, इसका अंदाजा आप फिल्म थ्री इडियट से लगा सकते हैं। फिल्म में भी तीन किरदार बिन बुलाए मेहमान बनकर शादी में खाना खाने पहुंचते हैं। यहां तक तो ठीक था, अगर ये छात्र इस फिल्म के अगले सीन पर भी गौर फरमा लेते तो आज इन्हें बर्तन नहीं मांजना पड़ता। बहरहाल शादी में बिन बुलाए मेहमान की ऐसी खातिरदारी हुई कि कोई भी एक बार बिन बुलाए शादी में जाकर खाना खाने से पहले एक बार जरूर सोचेगा। आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बतलाइए। नेशनल डेस्क, न्यूज़ लाइव, बिहार।